सेना के ये जवान माँ की भक्ति में लीन हैं, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ही इन सैनिकों को वो शक्ति मिलती है जिससे ये सरहद पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर पाते हैं। तस्वीरें जैसलमेर के तानोट माता मंदिर की हैं, जहाँ स्थानीय लोगों के साथ बीएसएफ के जवान भी तानोट माता की भक्ति में लीन हैं। सरहद के करीब स्थित तानोट माता के इस मंदिर का इतिहास 1200 साल पुराना है। जैसलमेर के रहने वाले लोग इस चमत्कारिक मंदिर के गवाह हैं। वो बताते हैं कि कैसे 65 और 71 की लड़ाई में तानोट माता ने दुश्मनों से भारतीय सैनिकों की रक्षा की थी। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सबसे पहले मां के इस मंदिर को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस मंदिर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने 3000 से भी ज्यादा बम गिराए, लेकिन मां के चमत्कार के आगे दुश्मन की ये चाल नाकामयाब रही। इस मंदिर के आसपास पाकिस्तानी बम गिरे तो जरूर, लेकिन एक भी बम फट नहीं सका। यहां तक कि मंदिर के परिसर में 450 से ज्यादा बम गिराए गए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान ने 1971 की लड़ाई में भी किया था। 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान के निशाने पर तानोट माता का यह मंदिर ही था, लेकिन मां के चमत्कार के आगे दुश्मन की एक भी न चली। यहां के रहने वाले स्थानीय लोग खुद मां की महिमा और उनके चमत्कार के बारे में बताते हैं। तानोट माता का मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और यहाँ के स्थानीय लोग भी आस्था के साथ वहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि सन 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर बमबारी की थी, तो उन बमों को अपने जवानों पर ना गिरने दिया और माता ने उसे रोक लिया। तभी से यहाँ का जो चमत्कार है वो सभी लोग जानते हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं। जैसलमेर के रहने वाले लोग बताते हैं कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना की मति इस कदर भ्रष्ट कर दी थी कि वो अंधेरे में अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन्हीं पर गोलियां बरसाने लगे थे। 65 और 71 की लड़ाई के दौरान तानोट माता के इस मंदिर में पाकिस्तान की ओर से गिराए गए 450 तोप के गोले अब भी जस के तस रखे हुए हैं, जो कि माता के चमत्कार के प्रत्यक्ष गवाह हैं। माँ के इसी चमत्कार की वजह से उन्हें युद्ध वाली तानोट माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के अवसर पर देश भर से भक्त माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आम दिनों में तानोट माता का मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।